हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक माय न्यू ब्लॉग्स। और आप देख रहे हैं नरेश राजपूत ब्लॉग। स्वागत करता है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप लोग, आई होप आप सब सही होंगे। और आज की ब्लॉग हमारी काफ़ी नेचर से रिलेटिव, और मौसम ख़राब था तो इसके कारण हमने जो भी व्यू होता है, आपको पता होना चाहिए कि बारिश के बाद जो व्यू आता है बहुत ही सुंदर आता है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश होने के बाद या बारिश से पहले कोहरा लग जाता है। तो कोहरा का वीडियो आप देखेंगे, काफ़ी आपको पसंद आएगा। और फिर हम घूमने चलते हैं, तो चलो फटाफट मैं तैयार हो गया, अब निकलते हैं और मिलते हैं आपको आगे। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ गया था तो मेरे को काफ़ी दुख हुआ, और उस दुख को मैंने काफ़ी शेयर कर रखा है। वो आपको वीडियो के एंड में या बीच में देखने को मिलेगा। और शायद मेरे सब्सक्राइबर 2000 है, जो मतलब ये बात बोल दे। हाँ हाँ पगा से बने ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय
अभी चलते हैं आपको सिलोनी बाजार घुमाने के लिए। परेशान हो गए, गाड़ी मिल नहीं रहा हमें और दो लफंडर ऑलरेडी दूसरी जगह गए हैं उनके लिए गाड़ी। समाचार सुन के दुखी मत होना, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लेके आना बस। दी बस शर्म लगी यार, मैंने मुझे पता झुकन कर लिया। सॉरी सॉरी, सलोमी मार्केट घूमिया मैं ना। बहुत अच्छा चार्ज देगा जो मैंने देखा है, उसमें चिकन के साथ 5 रोटी एक थाली, और तुम हो विवेक वगैरह जो है वो 10 रोटी, मनीष संदीप सुमन जो भी है तो उनके लिए काफ़ी दुख की समाचार है। मैंने सोचा थोड़ा वीडियो के थ्रू ब्लॉग के थ्रू उन्हें बता देता हूँ तो उन्हें भी पता रहेगा। काफ़ी घूमने के बाद अब चलते हैं नाश्ता पानी करने के लिए। आगे के बलूनी ने अपना रेट हाई फाई कर दिया। सत्येंद्र को भी मैं भूल गया था तो उसे भी मैं ब्लॉग के जरिए बताना चाहता हूँ कि थोड़ा लिमिट में खाए और मेनू देख कर ही खाएँ जो भी खाना है, उसके बाद ही फैसला करें। थोड़ा जेब में एक्स्ट्रा पैसे लेके चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब 5 रोटी के बाद एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि लोगों में आके मेरे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि यहाँ जो बलोनी का रेट है वो बहुत हाई फाई बढ़ गया है और ये काफ़ी ख़तरा है संदीप सुमन और विवेक और मनीष के लिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो बना के डाल दिए जो बलोनी का रेट देखते हैं कि देखे तुम चक्कर मत खाना, क्योंकि क्या करें हम भी। मैंने सोचा रेट बढ़ गया तो हिसाब से खाएँगे, तो कभी भी बलोनी होटल में आना तो अपना पहले रेट लिस्ट देख लेना, मेनू देख लेना, उसके बाद ही सोचना हमें कितना।